दोस्तों वापस से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप रनिंग टैक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। रनिंग टैक्स का मतलब ये होता है कि जब आप कोई ऐसी वीडियो देख रहे होते हैं जिसके नीचे कुछ वाक्य, कुछ सेंटेंस, कुछ बातें चलती हुई नज़र आती है, उसमें आप अपनी कमन बातों को लिख कर अपने ऑडियंस के सामने रखते हैं, या फिर कुछ अपना इंस्टा आईडी या फिर अपने दूसरे चैनल्स के बारे में अगर बताना चाहते हैं तो आप वहां पर लिख कर स्क्रॉल करते हुए अपने ऑडियंस को दिखा सकते हैं। तो वही चीज़ें कैसे क्रिएट किया जाता है आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप काइन मास्टर के माध्यम से इस चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि हाउ टू क्रिएट रनिंग टैक्स। दोस्तों जब आप काइन मास्टर ओपन करेंगे ना तो आपके सामने कुछ इस तरीके का काइन मास्टर का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब हमें करना क्या है, अब हमें यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है। तो वाइट बैकग्राउंड लेने के लिए हम जाएंगे मीडिया पर। यहाँ पर आपको बहुत सारे टूल्स देखने को मिलेंगे, यहीं से आप सभी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड को सबसे पहले सिलेक्ट करना है। तो वाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के लिए हम जाते हैं मीडिया पर। मीडिया पर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें आपको लेकर चले जाएगा आपके फाइल मैनेजर में, मतलब कि आपके गैलरी में। गैलरी में जब जाएंगे तो आपके सामने ऊपर ही यहाँ पर इमेज असिस्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारा आपके सामने बैकग्राउंड देखने को मिलेगा। यहाँ से आप अपने मनपसंद के जो भी बैकग्राउंड लेना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड वाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट करता हूँ। वाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के लिए आप वाइट पर क्लिक करेंगे तो वाइट बैकग्राउंड आपका सेलेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा लेना है। टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए हम सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके यहाँ से पकड़कर इसके टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा लेंगे। ऐसे जब आप खींचेंगे तो इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर 30 सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन कर लेता हूँ। अब बाहर क्लिक करके इसको अनसेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर एक येलो कलर का या फिर रेड कलर का पट्टी डालना है। तो पट्टी डालने के लिए हम क्या करेंगे, पट्टी डालने के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 डॉट देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन आएगा। ये दोनों ऑप्शन अलग अलग बातें कहती है। पहला ऑप्शन कहता है कि अगर आप मुझ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक वाइट कलर का या फिर जो भी कलर आप लेना चाहते हैं उस कलर का यहाँ पर एक लेयर आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन कहता है कि अगर आप मुझ पर क्लिक करते हैं तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, मतलब इसके नीचे लेयर बनकर आ जाऊँगा। तो दोनों का मतलब अलग अलग होता है। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर एक बैकग्राउंड आ जाएगा, अगर आप डुप्लीकेट लेयर करेंगे तो इसके नीचे लेयर आता है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, डुप्लीकेट एज ए लेयर पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसके नीचे एक लेयर आ जाता है। अब देखिए दोस्तों ये भी वाइट कलर का है, बैकग्राउंड भी वाइट कलर का है, तो दोनों समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा जो लेयर कहाँ पर है। तो इसके लेयर को विजिबल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके कलर को चेंज करेंगे। तो हमें मान लीजिए यहाँ पर येलो कलर का पट्टी डालना है। तो येलो कलर का पट्टी डालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। कोई भी चीज़ अगर सिलेक्ट होता है तो यहाँ पर डॉट डॉट जैसे लाइनिंग आ जाती है, ठीक है ना। ये जब लाइनिंग आ जाएगी तो समझ जाइएगा कि वो चीज़ें सिलेक्ट हो चुकी है। और जब ये सिलेक्ट होती है तो उससे रिलेटेड आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है ना। तब हमें क्या करना है, इसके कलर को चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर कलर का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे कलर आपके सामने आ जाएंगे। आप जो भी कलर यहाँ पर लेना चाहते हैं अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो हमें कौन सा कलर लेना है, हमें लेना है येलो कलर। तो येलो कलर पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। तो ये हमारा जो लेयर है येलो कलर में बदल गया है। अब हमें क्या करना है, इस लेयर को बड़ा करना है। तो बड़ा कैसे करेंगे, बड़ा करने के लिए हम इस वाले तीर को पकड़ के ऐसे खींचेंगे, ऐसे पकड़ के ऐसे खींचेंगे। जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसको ऐसे पकड़ के नीचे लेकर आएंगे और यहाँ पर इसको रख देंगे, रख कर यहाँ पर इस वाले तीर से क्लिक करके बाहर आ जाएंगे। तो हमारा यहाँ पर देख सकते हैं कि एक येलो कलर का पट्टी यहाँ पर आ गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट लिखने के लिए क्या करेंगे, हम टेक्स्ट लिखने के लिए हम जाएंगे लेयर पर। लेयर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 5 ऑप्शन आता है। पहला ऑप्शन आता है मीडिया का, दूसरा ऑप्शन आता है इफेक्ट का, तीसरा ऑप्शन आता है स्टिकर का, चौथा ऑप्शन आता है टेक्स्ट का
और पांचवा ऑप्शन आता है हेड राइटिंग का। तो हमें क्या करना है, टेक्स्ट लिखना है। तो टेक्स्ट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट लिखने के लिए आपके सामने आ जाएगा। तो आप अपने हिसाब से जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, जो भी अपने ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिखते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपना टेक्स्ट को लिख लेंगे। ठीक है, लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओके कर देंगे। ठीक है ना, ओके करेंगे तो फिर से हमारा जो टेक्स्ट था वाइट कलर का था और यहाँ पर बैकग्राउंड भी वाइट कलर का है, तो ये विजिबल नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, अपने टेक्स्ट के कलर को चेंज करेंगे। टेक्स्ट को कलर के चेंज करने के लिए हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट होना चाहिए। कैसे सेलेक्ट होता है, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया तो हमारा टेक्स्ट दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है ना, तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर देखेंगे तो हमारा टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें सिलेक्ट हो जाएगी। जब सिलेक्ट होगी ना तो इसके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, और जब आप यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कलर का ऑप्शन दिखाई देगा। तो इस कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे कलर आ जाएंगे। अब आप अपने हिसाब से जो भी कलर देना चाहते हैं यहाँ पर दे सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर ब्लैक कलर देना चाहता हूँ, तो ब्लैक कलर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो हमारा टेक्स्ट यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब इस टेक्स्ट को हम लाएंगे यहाँ पर, लाकर यहाँ पर ऐसे एडजस्ट कर देंगे। ठीक है ना, अगर आपको ये फॉन्ट पसंद नहीं आती है, आपको अगर दूसरा फॉन्ट लगाना है तो अब क्या करेंगे, दूसरा फॉन्ट लगाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर फॉन्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करके यहाँ से अपने मनपसंद के जो भी फॉन्ट लगाना चाहते हैं यहाँ से लगा सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर ये वाला फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सिलेक्ट करके यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा फॉन्ट यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बाहर क्लिक करके हम इससे बाहर आ जाते हैं, मतलब इसको अनसेलेक्ट कर देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, इसको फिर से सिलेक्ट करना और इसके ड्यूरेशन को बढ़ाना। सिलेक्ट करके यहाँ से पकड़ के ऐसे खींचेंगे हम। ठीक है, खींच कर इसको हम इसके बराबर कर लेंगे, इसके बराबर। तो इसको यहाँ पर लाकर छोड़ देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। दोस्तों अब इसका मेन काम यहाँ से स्टार्ट होता है। अब हमें इसमें एनिमेशन देना है ताकि ये टेक्स्ट जो है वो हमें चलते हुए नज़र आए। तो कैसे हम इसमें एनिमेशन देंगे, एनिमेशन देने के लिए सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक की का ऑप्शन दिखाई देगा, मतलब चाबी का। अब हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके उसके बाद से हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को पकड़ कर ऐसे पीछे लेकर आएंगे। ठीक है ना, और यहाँ पर लाकर इसको एकदम इस वाले छोर पर ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद से हम क्या करेंगे, इसको ऐसे स्क्रॉल करेंगे, ऐसे स्क्रॉल करेंगे। इसको स्क्रॉल करना है, आपको स्क्रॉल करके यहाँ तक आ जाना है। तब क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को ऐसे पकड़कर ऐसे खसकाएंगे और इसको ऐसे खसकाकर पूरे तरीके से इसको यहाँ तक खसका देंगे। इसको यहाँ तक खसकाकर लास्ट छोर तक ला देंगे ऐसे। ठीक है ना, ऐसे ला देंगे। उसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ से बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद फिर हम यहाँ पर स्टार्टिंग पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद अब हम यहाँ पर प्ले करके देखेंगे कि कैसे हमारा रनिंग टेक्स्ट मूव कर रहा है। तो यहाँ पर हम प्ले करेंगे और प्ले करके देखेंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हमारा रनिंग टेक्स्ट मूव कर रहा है। तो ये चीज़ें इस तरीके से क्रिएट होती है। दोस्तों अब हमें क्या करना है, इस वाइट बैकग्राउंड को हमें ग्रीन बैकग्राउंड में चेंज करना है, ताकि ये चीज़ें जो है अपने वीडियो के नीचे हेडलाइन पर लगा सके। अगर आप वाइट कलर लेकर वहाँ पर इंपोर्ट करते हैं तो ये वाइट कलर वैसे ही के वैसे ही रह जाएगा, और आपका जो वीडियो जो दिखाई देने वाला होगा वो दिखाई नहीं देगा। अगर आप ग्रीन कलर लेकर वहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे तो ग्रीन वहाँ से रिमूव हो जाता है और आपका वीडियो वहाँ पर विजिबल हो जाता है, दिखाई देने लगता है। तो इसके कलर को हम कैसे क्या करेंगे, इसके कलर को चेंज करने के लिए हम इस वाइट वाले पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कलर का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, तो इस पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और क्लिक करके हम ग्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये हमारा बैकग्राउंड जो था वो ग्रीन कलर में चेंज हो चुका है। अब इसको एक बार प्ले करके हम देखते हैं। तो इस तरीके से हमारा रनिंग टेक्स्ट मूव करेगा। दोस्तों अब हम क्या करते हैं, इस चीज़ को किसी वीडियो पर अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये
उस तरीके से अप्लाई हो पा रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले आइकन पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम क्या कर देंगे, सेव एज ए वीडियो। तो यहाँ से हमारा वीडियो सेव हो जाएगा। दोस्तों अब हम क्या करते हैं, उस रनिंग टेक्स्ट को अप्लाई करके देखते हैं कि रनिंग टेक्स्ट किस तरीके से काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम एक वीडियो को लेते हैं। तो वीडियो को लेने के लिए हम जाएंगे मीडिया पर। मीडिया पर जाने के बाद यहाँ से अपने पसंद के जो भी आप वीडियो लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं ये वाला एक वीडियो ले लेता हूँ, ठीक है। ये वीडियो मैंने ले लिया, ठीक है ना दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक वीडियो को ले लिया है। अब इस वीडियो के नीचे हमें रनिंग टेक्स्ट को मूव कराना है। तो कैसे कराएंगे, तो रनिंग टेक्स्ट को सबसे पहले लाते हैं। तो रनिंग टेक्स्ट को लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस लेयर पर क्लिक करेंगे। लेयर पर क्लिक करने के बाद मीडिया पर जाएंगे। मीडिया पर जाने के बाद अपने रनिंग टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपका रनिंग टेक्स्ट आ जाएगा। अब देखिए ये रनिंग टेक्स्ट पूरा फ्रेम में नहीं आ पा रहा है, तो इसको पूरा फ्रेम में लाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्प्लाइट स्क्रीन का। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा जो रनिंग स्टेटस है ये पूरे फ्रेम में आ जाता है। यहाँ से हम क्या करेंगे, बैक हो जाएंगे। दोस्तों जब मैंने इसको पूरा फ्रेम में लिया तो हमारा वीडियो क्या हुआ, छुप गया। अब अपने वीडियो को सामने लाने के लिए हम क्या करेंगे, अपने वीडियो को सामने लाने के लिए हम इसको सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसके नाम है क्रोमा की। क्रोमा की पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इनेबल का ऑप्शन दिखाई देगा। इस इनेबल वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें जो होगी ना, ग्रीन जो कलर जो होगा ना वो रिमूव हो जाएगा, वो हट जाएगा। नीचे वाला सिर्फ कलर और टेक्स्ट आपका बच जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बैक आ जाते हैं। उसके बाद से यहाँ पर क्लिक करके अनसेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखा आपने दोस्तों, यहाँ का पूरा जो ग्रीन वाला जो कलर था वो हट चुका है, सिर्फ यहाँ पर येलो कलर और हमारा टेक्स्ट बच गया है। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए दोस्तों कैसे हमारा रनिंग टेक्स्ट मूव कर रहा है। तो इस तरीके से हम अपना रनिंग टेक्स्ट को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए।